नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है एंड ऑप्शन बायर्स है तो आपके लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देखी गया, तो रैली अक्सर हम लोग हाथ से छूट जाता है और कभी कभार ये चीज उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है, तो दोनों तरफ ही फंसते हैं। रीजन एक ही है कि हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी आपका सामने 25,200 का पुट का चार्ट लगाया हुआ है और बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए आप 3 मिनट का चार्ट को प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन इंडिकेटर का क्या रोल है, मैं आपको समझा देता हूँ तो इसको काफी इजिली आपको पता चल जाएगा जो कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, कहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए नीचे में आपको ये जो पट्टी दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो जोन है ये टोटली बाइंग जोन है, यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। बट बाइंग करने का टाइम आपको दो चीज को देखना है, ये क्या है, ये स्टार बनाया कि नहीं सिग्नल के साथ, और नीचे वाला जो ब्रेक्स वाला इंडिकेटर है उसका कलर को व्हाइट होना, सॉरी ग्रीन होना चाहिए और ये व्हाइट का ऊपर होना चाहिए, जैसे ये जो जोन था यहां पर आप बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। सेलिंग के लिए जस्ट ऑपोजिट होगा, ये सेल का कॉल का पहले देखिए रेड स्टार बनाया, नीचे का रिबन टोटली रेड है और ब्रेक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट का नीचे, उसका पहले ये आप बाय का कॉल दिया है, यहां पर भी ग्रीन स्टार दिया है, यहां पर भी एक छोटा सा मोमेंटम दिया है। जैसे ये सेल का कॉल में आप देख सकते हैं एक लंबा रैली आपको मिल चुका है, नीचे वाला जो रेड डॉटेड लाइन है ये आपका सपोर्ट लाइन है, मार्केट कितना नीचे गिरेगा उसका एक बेसिक आइडिया आपको यहां से मिल जाता है। अभी जैसे मैं जहां से शुरुआत करने जा रहा हूं, देखिए यहां पर मार्केट ने एक बाइंग का कॉल दिया है, अब कॉल तो दिया है बट यहां पर अभी भी कंडीशन फुलफिल नहीं है, जब तक स्टार नहीं बनेगा। देखिए अभी आपका सामने ये स्टार बना तो सिग्नल का सा स्टार आना जो जरूरी है, नीचे का रिबन रेड ग्रीन होना चाहिए और ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये व्हाइट का ऊपर रहेगा विद ग्रीन कलर, तो ये तीन कंडीशन अगर मैच होते हैं तभी जाकर आप किसी कॉल पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो जैसे देखिए ये बाय का कॉल भी सारा कंडीशन मैच हुआ और ये धीरे धीरे करके अच्छा खासा रिटर्न देके जा रहा है, और अगर आप स्पेशली बाइंग किए हैं तो नीचे वाला जो ब्रिक्स इंडिकेटर है उसका कलर को आपको फॉलो करना है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है निफ्टी में हम लोग 10-12 पॉइंट लेके जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट 60-70 पॉइंट का भी रैली देखेगा, तो ये कॉल देखिए 105 या 110 से लेके 175 मतलब 60-70 पॉइंट का रैली दे दिया, तो ये रैली अक्सर हम लोग का हाथ से छूट जाता है। तो नीचे वाला ब्रिज को आपको फॉलो करते हुए चलना है, जब तक ब्रिज का कलर ग्रीन है आपका पोजिशन सिक्योर है। जैसे आपको कोई ब्लू टाइप का ब्रिज दिखेगा, जैसे आप ही देखिए यहां पर आपको ब्लू ब्रिज दिख गया, ब्लू का मतलब ही होता है रिवर्सल, तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है जो मैं ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेनिफिट बना लिया हूं मुझे ये और रिस्क लेने का जरूरत नहीं है तो आप निकल भी सकते हैं। बेसिकली आप नीचे वाला ब्रिज को देख सकते हैं, देखिए मिडिल का दोनों लाइन आप देखिए, ये दोनों लाइन क्रॉस ओवर होकर इसका कलर पिंक हो गया, तो ये भी एक संकेत है। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर धीरे धीरे करके व्हाइट का नीचे आ गया, व्हाइट का नीचे आने का मतलब है यहां पर आपका पोजिशन खत्म हो गया। फाइनली अभी देखिए यहां पर आपका सामने एक सेलिंग का कॉल बना, नीचे का रिबाउंड रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है बट अभी तक इस सेल का कॉल में रेड स्टार बना नहीं है, तो रेड स्टार नहीं बना है तो ये कॉल अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी हो सकता है स्टार 2-3 कैंडल बाद आए, तो जब तक स्टार नहीं आएगा कॉल कंफर्म नहीं होगा और आपको स्टार के लिए वेट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर स्टार आके फिर चला गया, तो जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है, कैंडल का क्लोजिंग में ही कॉल को कंफर्म किया जाता है। देखिए सेल का कॉल बना, अल्टीमेट अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टार नहीं बना, धीरे धीरे करके मार्केट दोबारा रिवर्स होने का कोशिश कर रहा है, ब्लू कैंडल बना उसके बाद बाय का कॉल बन गया। अब ये जो बाय का कॉल बना इसमें दोबारा कोई ग्रीन स्टार बनेगा नहीं, क्योंकि मेरा ग्रे स्टार ऑलरेडी पहले से चल रहा है, इस सेल का कॉल में कोई रेड स्टार दिया नहीं तो दोबारा इस बाय का कॉल में भी कोई ग्रीन स्टार देगा नहीं। आपको जिस नीचे का रिबोन को देख लेना है ग्रीन है, ब्रिक्स को देख लेना है जो ग्रीन होके व्हाइट का ऊपर जा रहा है, तो आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहां पर भी आपको 1-2 कैंडल पे एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न मिल चुका है, तो ऑप्शन बाय एक ऐसा ही चीज है, यहां पर अगर आपका एंट्री परफेक्ट हो जाता है तो आप काफी इजिली पैसा बना सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा भी जूम करता हूं और थोड़ा क्लियरली समझने के लिए, अभी इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहां पर जितना बार ये ब्लू ब्रिक्स बन रहा है ब्लू का मतलब ही होता है रिवर्सल होने का एक चांसेस है,
तो जब भी ब्लू बीन बनता है तो हम लोग यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्लू कलर का ब्रिक्स बना था। तो ये वाला ब्लू जो बन रहा है ये रिवर्सल का संकेत है। यहाँ पर भी देखिए जो ब्लू बना था ये भी आपका रिवर्सल का एक संकेत था। तो अगर आपको रिवर्सल कहाँ पर हो रहा है ये पता चल जा रहा है तो आपका काम काफी इजी हो जाएगा। फाइनली देखिए ये जो सेल का कॉल बना है इसमें स्टार का सा सिग्नल बना है, नीचे का रिबन रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में। तो आप इस सेल का कॉल में ट्रेड ले सकते हैं एंड एंट्री लेने के बाद वही ब्रिक्स का तरफ ध्यान देना है। अगर ब्रिक्स रिवर्स हो जा रहा है तो जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है मिनिमम वैल्यू में आपको निकल जाना पड़ेगा। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, सिग्नल काफी सारा बन ही सकता है, बट एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को इस कंडीशन को प्रॉपरली चेक करना है। जैसा अभी जो लास्ट में बाय का कॉल चल रहा है इसमें भी देखिए स्टार बना, नीचे का रिबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है और यहां पर भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखे जा रहा है। अब जैसे देखिए यहां पर मार्केट एक झटके में गिराया था, ब्लू ब्रिक्स बना, रेड बनने लगा, सिग्नल भी सेलिंग का बना, पर नीचे का जो पट्टी है वो अभी भी ग्रीन है, मिडिल का दोनों लाइन भी ग्रीन है और ब्रिक्स भी आपका व्हाइट का ऊपर है। देखिए ब्रिक्स व्हाइट का ऊपर है, इसका मतलब है अभी भी आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। बहुत टाइम क्या होता है मार्केट फ्लैक्चुएट करता है, उस टाइम हम लोग फंस जाते हैं। देखिए ऊपर में जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, तो मार्केट हमेशा कोशिश करेगा रेजिस्टेंस तक जाने का। तो देखिए बोलते बोलते रेजिस्टेंस को हिट किया और यहां पर आपको एक लंबा रैली दिख रहा है। नीचे वाला ब्रिक्स कलर जब तक चेंज हो रहा है इसका मतलब है ये साइडवेज कर रहा है या नीचे गिर रहा है, बट फाइनली इसका कंसेप्ट जब तक ये व्हाइट को तोड़ के नीचे ना आ जाए तब तक आप बाइंग पे बने रह सकते हैं। और एक ही चीज बोलूंगा, अगर ग्रीन डॉटेड लाइन को टच कर दिया है इसका बाद और रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, पोजिशन को स्क्वायर अप कर लेना ही बेटर रहेगा। तो सॉफ्टवेयर काफी सिंपल है, सिग्नल बनते रहेगा जैसा आपका टर्मिनल चल रहा है वैसे टिक बाई टिक अपडेट होते रहेगा। एंट्री लेने का पहले आपको तीन कंडीशन को प्रॉपरली चेक करना है, अगर मैच होता है तो ट्रेड करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।